जी फैज़ की एक और गज़ल लेकर हाजिर हुआ हूँ। तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं, हदीस यार के उनवान निखरने लगते हैं, तो हर हरीम में गैसू सवरने लगते हैं। हर अजनबी हमें महरम दिखाई देता है, जो अब भी तेरी गली से गुज़रने लगते हैं। सबा से करते हैं इस नुत्क़ लब की बखिया गिरी, फिज़ा में और भी नगमे बिखरने लगते हैं। दरे कफ़स पे अंधेरे की मोहर लगती है, तो फैज़ दिल में सितारे उतरने लगते हैं। तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, ये अपने महबूबा से मुखातिब है कि तुम्हारी याद जब आती है तो दिल पे तो ज़ख्म आ ही, एक नया ज़ख्म लग ही जाता है। तो तुम्हारी होता ही है कि फिर हम कुछ दिनों तक तुम्हें याद नहीं करते, जब याद नहीं करते वो ज़ख्म जो लगता है वो फिर धीरे धीरे भरने लगता है, मुंदमिल होने लगता है वो। तो तुम्हारी याद के जब अब मुझे लगता है कि ज़ख्म बिल्कुल भर चला है, तो किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं, फिर हम किसी न किसी बहाने तुम्हें याद करें ताकि वो ज़ख्म फिर से जो भरने लगा तो फिर से वो ताज़ा हो जाए। फिर हम नहीं चाहते कि वो तुम्हारी याद का ज़ख्म जो है वो भर जाए, तो हम यही करते हैं, जहाँ देखते हैं कि ज़ख्म भरने लगे, कुछ दिन हमने याद नहीं किया, फिर हम तुम्हें याद कर लेते हैं, वो ज़ख्म फिर से हरा हो जाता है। तो तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं, हदीस यार को उनवान करने लगते हैं, तो और हरीम में गैसू संवरने लगते हैं। हदीस दास्तान किस्सा, हदीस यार के उनवान, तो जब निखरने लगते हैं, जब उनवान, जब इश्क और माशूक का जब जिक्र चलता है, जब उसका उनवान निखरने लगता है, तो हर हरीम में, हरीम का माने एक हरम होता है जहाँ पर्दा नशीन को रखा जाता है, तो हर हरीम में गैसू सवरने लगते हैं, तो वहाँ सब अपने अपने जुल्फ़े संवारने लगते हैं। तो हदीस यार के उनवान निखरने लगते हैं, तो हर हरीम में गैसू सवरने लगते हैं, हर अजनबी हमें महरम दिखाई देता है, जो अब भी तेरी गली से गुजरने लगते हैं। ज़माना हुआ तुम्हारी गली छोड़ेंगे, तुम्हारी गली से तो हम गुजरते भी नहीं एक, लेकिन फिर भी हम जब कभी भी किसी बहाने तुम्हारी गली से गुजरते हैं, तो उस गली से गुजरने वाले जितने भी लोग हैं जो हमारे लिए अजनबी हैं, वो सब महरम अपना दिखाई देने लगता है, बिल्कुल अपना कोई रिश्तेदार दिखाई देना, ऐसा अपना सा बिल्कुल महसूस होता है, महज इस बिना पर कि वो तुम्हारी गली में रहता है या तुम्हारी गली से गुजरता है, इस बिना पर हमें उससे वो बिल्कुल अपना सा लगता है। हर अजनबी हमें महरम दिखाई देता है, जो अब भी तेरी गली से गुजरने लगते हैं, सबा से करते हैं इस नुत्क लब की बखिया गिरी, जब सबा बाद सबा जब चलती है, तो नुत्क लब, नुत्क कहते हैं बोलने की ताकत, बोलने की सलाहियत जो इंसान को वदियत हुई है कुदरत की जानिब से, तो नुत्क लब और जो लब जो है होंठ, तो नुत्क लब की बखिया गिरी, हम क्या करते हैं कि सबा के हाथों से हम ये बखिया गिरी उसे सीना शुरू करते हैं, टाँके लगाना हम शुरू कर देते हैं, सबा से करते हैं इस नुत्क लब की बखिया गिरी, फिज़ा में और भी नगमे बिखरने लगते। तो होता यह है कि इसके बाद खामोशी तारी हो जानी चाहिए, चूँकि हमने अपनी ज़ुबान सी ली है और अपने लब सी लिए हैं, तो अब तो खामोशी तारी हो जानी चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ कि फ़िज़ा में और भी नगमे बिखरने लगते हैं, मेरे नगमे जो अब तक जो खुले हुए थे मेरे होंठ जिसको नगमे बिखरते थे, तो हमने जब इसे सी लिया तो नगमे और ज़्यादा बिखरने लगते हैं। तो फिर सबा से करते हैं इसमें तो लब की बखिया गिरी, फ़िज़ा में और भी नगमे बिखरने लगते हैं, दरे कफ़स पे अंधेरे की मोहर लगती है, कफ़स कैद खाने के दीवार पे दरवाज़े पर जब अंधेरे की मोहर लग जाती है, बिल्कुल सील कर दिया जाता है, दरे कफ़स पे अंधेरे की मोहर लगती है, तो फैज़ दिल में सितारे उतरने लगते हैं। तो वो ये समझता है कफ़स में मोहर लगा करके अंधेरे की, कब ये अंधेरे में रहेगा और अंधेरा इसे खा जाएगा, तो फैज़ दिल में सितारे उतरने, तो होता ही है कि दिल में सितारे उतरने लगते हैं, रोशनी का एक सामान, एक दूसरा सामान पैदा हो जाता है कि दरे कफ़स पे तो अंधेरे की मोहर लग गई, लेकिन रोशनी अगर मंजूर है तो वो उतरने, सितारे उतरने लगते हैं, नए नए ख्याल, नए नए जज्बा, नए और मतलब सितारे उतरने, तो रोशनी की कमी नहीं रहती है माशाल्लाह, तो फैज़ दिल में सितारे उतरने लगते हैं। मुग़ल आज़म में एक सीन है जब अकबर अनारकली से पूछता है कि हमें उम्मीद है कैद खाने के अंधेरों ने तुम्हारी आरज़ुओं में वो चमक बाकी ना रखी होगी जो कभी थी, तो अनारकली कहती है कि कैद खाने के अंधेरे कनीज़ की आरज़ुओं से कम थे, अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे, आरज़ुएँ और बढ़ जाएंगी। वो किस्सा यह है कि दरे कफ़स पे अंधेरे की मोहर लगती है, तो फैज़ दिल में सितारे उतरने लगते हैं। फैज़ अहमद फैज़ की यह गज़ल आपको कैसे लगे हमें बता सकते हैं, और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।